सभी का मेरे फार्मिंग पैशन यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो किसान साथियों, हो गई है सुबह और नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो किसान साथियों, आज की जो वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज हम बात करने वाले हैं किसान साथियों की एक्स्ट्रा से जो तुड़ी होती है उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा कमाई किस तरह से कर सकते हैं, तो उसी के बारे में आज पूरी जानकारी हम देने वाले हैं किसान साथियों। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाकर के चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर ले और बगल में बने बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर ले। तो इसी तरह के हम महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आते रहते हैं। तो किसान साथियों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो किसान साथियों, सबसे ख़ास बात ये होती है कि अभी जैसे कि गेहूं कटाई का सीज़न लगभग स्टार्ट हो चुका है और अब की बार बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई है और देख लीजिए लान भी बहुत कम आ रही है और खेतों में आप लोग देख सकते हैं नमी। अब इस नमी की वजह से डीजल भी बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर ले रहा है और जो भूसा होता है वो ट्राली में भी बहुत कम आ रहा है। तो अब की बार हर एक जगह की यही हालात है और इस हालात को देखते हुए तो किसान साथियों, अब की बार बहुत ही ज़्यादा भूसे की डिमांड होने वाली है। भूसा बहुत ही ज़्यादा महंगा होने वाला है क्योंकि जो भूसा है वो तो बहुत ही कम खेतों में आज इस टाइम पे निकल रहा है। तो सबसे बड़ी बात ये है किसान साथियों को, जैसे कि हम मान लीजिए एक ट्राली में 6 क्विंटल इस ट्राली में आता है। अब इसको अभी हम प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ का रेट लगभग 2,200 के आसपास की ट्राली ये निकल जा रही है अभी प्रेजेंट टाइम में। तो किसान साथियों, लगभग 2,200 के आसपास ये ट्राली अभी बिक जा रही है। अगर यही ट्राली मैं अपने घर पर या किसी ऐसी जगह पे स्टोर करके रख लूं तो लगभग 1 से 2 महीने के बाद आप इसको कुंटल के हिसाब से अगर बेचेंगे तो अगर मान लीजिए 1,000 रुपये प्रति कुंटल ये भूसा अगर बिकता है आपका, तो एक ट्राली में अगर 6 क्विंटल आपका भूसा आ रहा है किसान साथियों, तो 6,000 रुपये का वो 6 क्विंटल भूसा हुआ। और अभी प्रेजेंट टाइम में हम मिनिमम 2,000 रुपये के आसपास की ये ट्राली बिक जा रही, तो हमारा नुकसान पर ट्राली के पीछे 4,000 रुपये का हो रहा है। तो इसी तरह से अगर हम लगभग 100 ट्राली भी अगर स्टोर कर लेते हैं भूसा, तो मेरा लगभग ये मानना है किसान साथियों कि अगर मिनिमम हम बचाएंगे तो लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए के आसपास की बचत हो जाने वाली है और ज़्यादा ही होगी। मैं मिनिमम बात कर रहा हूँ उसकी, और डीजल वगैरह सारे खर्च निकाल करके आपकी बचत काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो आपकी जेब भी वजन होने वाली है किसान साथियों और आपकी सारी मेहनत वसूल हो जाती है। अभी अंत में अगर आप सारी चीज़ों का काउंट करेंगे तो आपको सीजन निकालने के बाद लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये के आसपास की बचत आएगी। उसके बाद ट्राली का किराया भी देना है, डीजल और जो लेबर रहते हैं उनको भी देना पड़ता है, जो ड्राइवर रहता है उनको भी देना पड़ता है किसान साथियों, और जो ट्रैक्टर आप इसके ढुलाई के लिए लेते हैं उसका भी किराया निकालना पड़ता है, उसका भी डीजल आपको डालना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 20 सीजन में कोई टूट फूट आ गई, ब्रेक डाउन आ गया, कोई दिक्कत आ गई, तो समझ लीजिए आपका जो है पैसा आपके जेब से जाने वाला है। तो मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है किसान साथियों इन सभी कामों में। गेहूं की खेती में बहुत ही ज़्यादा जो है ये भूसे वाला काम बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाला है और इसमें पैसे भी बहुत ज़्यादा दिखाई तो पड़ता है, लेकिन अंत में अगर हिसाब करने बैठ जाओ तो फिर आपको 70-80 हज़ार रुपये कोई मतलब ही नहीं, लगभग 9-9.5 लाख रुपए का आपका ट्रैक्टर हो गया, 3.5 लाख रुपए के आसपास की ये मशीन हो गई, और जो जाली और ट्राली लो ये लगभग 20-20 हज़ार रुपए की हमारे यहाँ पे जालियाँ बन जाती हैं और काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं किसान साथियों। तो इसी को देखते हुए अब की बार गेहूँ और तुड़ी जो भूसा होता है किसान साथियों उसको भी स्टोर करके रख लें, आपको तगड़ा मुनाफा आने वाला है।
और ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला है किसान साथियों। मैंने अभी लगभग 3-4 ट्राली स्टोर की है और जैसे जैसे मेरा अभी काम स्टार्ट हुआ है लगभग, तो मैं वैसे वैसे जो है स्टोर करता जाऊंगा। मेरा थोड़ा टारगेट यही है कि लगभग 100 ट्राली के आसपास में भूसे को स्टोर करके अपने पास रख लूं और 2-3 महीने के बाद इसको मैं बेचूंगा, तब मुझे अच्छा मुनाफा आएगा। तो किसान साथियों, मेरे मन में ये ख्याल आया कि आपके लिए भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा सकूँ। तो किसान साथियों, मेरी इन बातों का ज़रूर ख्याल रखिएगा और अगर तगड़ा मुनाफा आपको चाहिए तो आपको ये चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। तो किसान साथियों, अभी जो लान है बारिश की वजह से जो नीचे एकदम चिपक गई थी वो तो एकदम बेकार हो गई, उससे भूसा नहीं बनने वाला, समझ लीजिए राख बन के उड़ जाती है वो धूल बन करके। तो इसी वजह से लगभग ट्राली, एक ट्राली भरने में लगभग 40 से 45 मिनट के आसपास इसमें लग जाता है और 40 से 45 मिनट के अंदर जो डीजल अभी कंजप्शन है किसान साथियों, लगभग 4 से 4.5 लीटर 5 लीटर भी ट्रैक्टर जो है पी लेता है। तो लोड भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, गियर भी बहुत ज़्यादा चेंज करना पड़ रहा है और ABCD गियर बॉक्स होते हुए भी ट्रैक्टर को क्लच देना पड़ता है, जिससे उसमें भी घिसावट आती है क्लच पैंडल में, क्लच ब्लेड भी जा सकती है। लेकिन मजबूरी है किसान साथियों, बारिश कभी भी हो सकती है और किसान एकदम हताश हो चुका है। जैसे कि अब फसल एकदम जिसकी थोड़ी सी भी हरी भी रह गई वो भी बहुत जल्द से जल्द जो है अपनी फसल कटवा रहा है और कटवाने के साथ साथ भूसा भी बनवा ले रहा है। और किसान साथियों, यही था आज की वीडियो में। और किसान साथियों, वीडियो हमारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बने बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करके ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। तो किसान साथियों, वीडियो हमारी पूरी देखिएगा, वीडियो स्किप करके ना देखिए, नहीं तो पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी आपको। और ज़्यादा से ज़्यादा भाई लोग सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को और सभी किसान साथियों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलेंगे ऐसे ही नई टॉपिक के साथ। जय जवान, जय किसान साथियों।